देखना है भारत की स्थिति। सबसे पहले हम मैप को बनाएंगे। मैप जो अगर हम आसानी तरीका से बन सकता है, देख लेते हैं मैप कैसे बनेगा। सबसे पहले नीचे का पार्ट्स लिया जाता है। ये हो गया भारत का मैप। सामान्य भाषा में दिशा तो जानते होंगे, ये कौन दिशा है? नॉर्थ है। ये क्या है? साउथ। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। और ये क्या है? वेस्ट। ठीक है, सामान्य दृष्टि से और देखते हैं इसमें तो तीन भारत तीन महासागरों से घिरा हुआ है। पहला जो होगा यानी सॉरी ये ना वेस्ट, ये क्या होगा? पश्चिम। वेस्ट। और ये क्या होगा? ईस्ट। पश्चिम में कौन सागर है? अरब सागर। ये है आपको अरब सागर। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। किस दिशा में? पूरब दिशा में। और नीचे आपको कौन है? हिंद महासागर। अब यहीं पर आपको एक मिलता है क्या? देश श्रीलंका। ये देश का नाम क्या है? श्रीलंका। ठीक है, इसमें छोटे छोटे हम देख सकते हैं हमारा केंद्र शासित प्रदेश है कौन? लक्षद्वीप समूह। यहाँ एक आपको छोटा सा एक और कंट्री मिलेगा जिसका नाम क्या है? मालदीव। ठीक है, इधर देखेंगे बंगाल की खाड़ी और जो है हमारा यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहा जाता है अंडमान निकोबार। ये थोड़ा नीचे पर हो सकता। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ हम पहले राज्य को देखेंगे। यहाँ जो है एक और देश हमारा यहाँ स्पर्श करता है, इस देश का नाम क्या है? नेपाल। ठीक है, ये हमारा कौन पर्वतमाला है? तो इसको कहा जाता है हिमालय। हिमालय। हिमालय के ऊपर जस्ट एक देश है क्या है? चीन। यहाँ हमारा एक और पड़ोसी मूल हमारा पाकिस्तान जो देश है उसको क्या कहा जाता है? पाकिस्तान। ठीक, इसके ऊपर माथे पर क्या है? अफगानिस्तान। इसके ऊपर जाएगा तो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, रूस आपको ऊपर मिलेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम कुछ मूल राज्यों का भी नाम लिखेंगे। ये भी जानते हैं कि बीच में से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आठ राज्यों से गुजरती है। ऊपर से हमको कुछ समान है कौन कौन जो भारत के राज्य हैं वह किस किस देश से स्पर्श करते हैं, इन चीजों को भी हमको कुछ जानकारी रखना चाहिए। इधर हम लोग देख लेंगे तो सबसे ऊपरी भारत ये कौन है? जम्मू, यानी अब यूटेरिटरी में भी बन चुका है इसीलिए ऊपरी भाग जो होता है इसको लद्दाख कहा जाता है। और नीचे क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो कौन राज्य मिलेगा? यानी इस साइड चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हिमाचल प्रदेश और यहाँ से इधर सटेंगे तो मिलेगा क्या? पंजाब। पंजाब के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? राजस्थान। और राजस्थान से बीच यानी पंजाब राजस्थान के बीच में आएंगे तो मिलता है कौन? हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। हाँ, यहाँ जो होता है आप यह जो होता है यानी कौन क्षेत्र? यूपी का क्षेत्र। यहाँ मिलता है कौन? दिल्ली। और यहाँ जो है आपको मिलता है उत्तराखंड। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और चीजों में कुछ इधर उधर हो सकता है।
फिर यहाँ जो आइएगा सबसे बड़ा राज्य कौन होता है? राजस्थान। नीचे आइएगा तो यहाँ इस ये कौन सा राज्य है? गुजरात। ये राज्य आपको क्या है? गुजरात। गुजरात से नीचे आएगा तो आपको मिलेगा क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे सबसे छोटा राज्य किसको क्या कहा जाता है? गोवा। ठीक है, गोवा के नीचे आएगा तो आपको क्या मिलेगा? कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद से ये आपको क्या? केरल। इधर आ जाता है आपको क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद से जो होता है आपको तेलंगाना। तेलंगाना सटे ना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और इसी से एक भाग बना दिया गया कि कौन? तेलंगाना। थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आंध्र प्रदेश के ऊपर जल जाएगा तो क्या मिलेगा? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद से आपको यहाँ पर मिलेंगे पश्चिम बंगाल। ये लमसम राज्य आपको याद रखना पड़ता है कि समुद्र से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है एकदम छोटा सा कि कौन निम्नलिखित में से कौन राज्य किस समुद्र से क्या करा? स्पर्श करा। अब बीच वाले को भागों को भी भर सकते हैं। मध्य प्रदेश। यूपी है। यूपी के बाद से ये क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर क्या है? बिहार। बिहार के बाद से यहाँ पर क्या है? झारखंड। झारखंड के नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इस प्रकार कम से कम ये मोटे मोटे राज्य को हमको क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, अब यहाँ जो है आपको मिलेगा ये ऊपरी वाला क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य होगा? मणिपुर। ये होगा मणिपुर। मणिपुर के नीचे क्या है? मिजोरम। त्रिपुरा। ठीक है, ये त्रिपुरा। असम। ये इसको क्या कहेंगे? असम। त्रिपुरा का ये है आपको कौन? त्रिपुरा। ठीक है, और यहाँ जस्ट आइएगा तो आपको मिलेगा मेघालय। ठीक है, और यहाँ जो है आपको इसके जस्ट यहाँ पर सिक्किम, भूटान। ठीक है, हाँ, ये क्या हो जाएगा? भूटान। एक और पड़ोसी हमारा देश यहाँ पर क्या है? भूटान। अब यहाँ इसके नीचे आएंगे तो एक और देश आपको मिलता है। इस देश को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश। ठीक है, और ये जस्ट मिजोरम के पास हमारे पास एक और देश है जिसको कहा जाता है म्यांमार। ठीक है, तो ये आप कम से कम इतना सारे चीजों को याद कम से कम आप प्रश्न कई तरह से घुमा सकते हैं। सामान्य सामान्य जो पूछे कि भारत पाकिस्तान से भारत के कौन कौन राज्य स्पर्श करते हैं तो ये करेगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। एक सॉरी राजस्थान। एक दो तीन और चार। चार राज्य किससे स्पर्श करते हैं? पाकिस्तान से। एक राज्य केवल यानी स्पर्श करता है अफगानिस्तान से, वह क्या है? जम्मू कश्मीर। तो ये भी आपको याद रखना। मांग सबसे छोटा सीमा में पूछेगा कि कौन भारत की कौन सा राज्य जो सबसे छोटा किसी अन्य देशों से स्पर्श करता है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपको अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से छोटा जो हमारा सीमा। और सबसे लंबा सीमा पूछेगा तो भारत का कौन सा देश के साथ सबसे लंबा सीमा स्पर्श करता है तो वह है आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा लंबा सीमा स्पर्श करता है। अब ये भी पूछ सकता है कि अरब सागर से कौन कौन राज्य स्पर्श करते हैं तो अरब सागर से करेगा गुजरात, दूसरा क्या करेगा? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक दो तीन चार, लगभग चार राज्य आपको इस साल किससे स्पर्श करते हैं? अरब सागर से। इधर देखेंगे तो हो सकता है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो है आपको स्पर्श करता है किससे? यानी बंगाल की खाड़ी से। ये दोनों में सटता है केरल और तमिलनाडु जो आंध्र यानी हिंद महासागर से भी स्पर्श करने का कार्य करता है।
अब इसको देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में हम लोग को पता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि इधर का उधर करके आपसे पूछ देगा, इसीलिए अक्षांशीय विस्तार को भी आप क्या करें ध्यान से याद रखें। तो अक्षांशीय विस्तार इसको कहेंगे अक्षांश रेखा, और इसको क्या कहेंगे देशांतर। यानी आप पढ़े होंगे ग्लोब में, ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती है, एक जो होता है इस प्रकार से होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है अक्षांश रेखा, और इसको क्या कहा जो सीधी खींची जाती है इसको क्या कहते हैं देशांतर। ये बात याद रखिएगा अक्षांश और देशांतर। तब पूछ को प्रश्न पूछता है कि हमारा उत्तरी और दक्षिणी इन दोनों यानी यहाँ देशांतर रेखाएं क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, फिर वेस्ट में क्या होती है और ईस्ट में क्या होती है। तो ऊपर कितना होता है 37 डिग्री, 37 ये होगा 37.6 नीचे क्या होगा 8 डिग्री 4 8 डिग्री 4 ऊपर कितना होगा, ऊपर जो होगा तो 37 ऊपर होगा 37.6 इधर कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा 68.7 और यहाँ क्या होगा 97.25 ठीक है। ये भी आपको उत्तरी अक्षांश और देशांतर आपको पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना। ऊपरी जो होता है अक्षांश यानी 37 डिग्री 6, नीचे 8 डिग्री 4, आपको वेस्ट में होता है 68 डिग्री 7 और ये जो है 97 डिग्री 25। इसको भी आप याद रखना। एक और क्वेश्चन पूछता है यानी उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की। तो प्रश्न पूछेगा उत्तर भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितना है, कितना है 32.14 यानी उत्तर से दक्षिण कितना होगा 32 यानी 3214 किलोमीटर। एक पूछ देता है कभी कभी ये भी कि पूरब से पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो ये भी कर सकते हैं पूरब से पश्चिम, ये कितना हो जाएगा 29.33 यानी 2933 ये आपकी लंबाई। अब इसमें और प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बताइए तो ये कुछ ना कुछ भाग समुद्र से सटा हुआ है ना, तो ये भी तो इसका कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो इसका यानी समुद्र से सटे जितना समुद्र से यानी समुद्री तटीय सीमा रेखा कितना है, भारत का तटीय सीमा रेखा कितना है, तो याद रखिएगा कितना 61 अच्छा एक और प्रश्न बनता है कि ये तो मान लीजिए सामान्य से जुड़ गया, लेकिन अंडमान निकोबार केंद्र शासित इधर लाभ से द्वीप है, इसका भी तो कुछ ना कुछ सीमा रेखा होगा ना, तो इसका भी टोटल मिला के तो ये भी पूछ देगा इसका कितना है, तो टोटल कितना होगा 75.16 ये आपको हो जाएगा कुल क्या तटीय। तो तीन एक याद रखे उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है, और कुल तटीय है आपको 61 और तटीय। अब केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के टोटल पूछेगा तो ये आपको हो जाएगा 75.16 अब ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लीजिए समुद्री हो गया तो ये स्थलीय भी तो होगा, ठीक है, स्थलीय कितना होता है स्थलीय सीमा मार्ग का जो है लंबाई कितना है, ये हो जाएगा 15,000 कितना 200 एक और ठीक है इकाई नहीं सैकड़ हजार दस 15,200 ठीक है। तो ये भी स्थलीय याद रखिएगा 15,200, समुद्रीय कितना यानी तटीय कितना हो जाएगा तो 6100,
कुल तटीय पूछेगा तब जो होगा कितना, यानी 75 16.6। और भी इसे आगे बताइए कि इसमें जुड़ा कौन कौन राज्य किससे जुड़ा है, पड़ोसी देश का नाम आएगा तो एक पाकिस्तान हो जाएगा, एक यहाँ पर अफगानिस्तान हो जाएगा, ऊपर जो होगा चीन हो जाएगा, यहाँ जो है बांग्लादेश हो जाएगा, यहाँ एक म्यांमार है और नीचे क्या है श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पर एक नेपाल है और यहाँ पर क्या है भूटान है, और एक जो है दो मूल द्वीप समूह अगर द्वीप के रूप में पूछ रहा है तो दो पड़ोसी हमारे देश है, एक है श्रीलंका दूसरा क्या है मालदीव, ठीक है। मालदीव किस सागर में, अरब सागर में, ठीक है। और ये जो होता है कुछ अरब सागर का जो अंदर क्षेत्र आ जाता है, कुछ किसका हिंद महासागर का, और ये डायरेक्ट हमारा पड़ता है किस में, हिंद महासागर में, कौन श्रीलंका। और भी इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कुल क्षेत्रफल, अब इसमें एकदम साधारण भाषा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ये जो है आपका भारत का क्या है कुल क्षेत्रफल। एक और प्रश्न उठता है कि विश्व में भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, तो ये है आपको कौन सातवां, भारत का स्थान कितना है सातवां है। सबको क्रम के अनुसार भी हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, पहला क्या है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस, रूस की राजधानी भी कहा है मॉस्को, ठीक है। दूसरा क्या है कनाडा, दूसरा क्या है कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है ओटावा, तीसरा बताइए तीसरा क्या है चीन, चीन की राजधानी क्या है बीजिंग, चौथा कौन है अमेरिका, अमेरिका की राजधानी क्या है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, डीसी। उसके बाद से पांचवा ब्राजील, ब्राजील की राजधानी क्या है तो ब्रासिलिया, ठीक है। और उसके बाद छठा नंबर पर स्थान किसका का है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है तो ये है आपको कैनबरा, ठीक है। और अंतिम जो होता है यानी भारत सातवें नंबर पर किसका आता है भारत, इसकी राजधानी तो पता ही होगा न्यू दिल्ली, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान कितना आता है सातवें नंबर पर आता है। इस प्रकार इसको देख सकते हैं इसकी अवस्थित, यानी इधर से भी कभी कभी सवाल क्वेश्चन पूछ देते हैं लेकिन छोटी बातें देखने पर हम इसको क्या करते हैं ध्यान नहीं देते। इसके अतिरिक्त तो जो आप इसको कम से कम ये सारे जो राज्य है इसकी राजधानी तो आपको याद होगा ही, लेकिन कभी कभी जो है केंद्र शासित जो प्रदेश है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह, इन सारी चीजों को भी क्या करना पड़ेगा राजधानी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुल, अब इस प्रकार देखेंगे तो कुल राज्यों की संख्या कितना है 28 और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है 8। ये अच्छा कोई बताएगा केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एकदम याद रखिएगा कि जहाँ एक तो बात होगा कि यहाँ विवादित होता है चाहे जहाँ केंद्र, डायरेक्ट याद रखिए जहाँ केंद्र का शासन होता है ना, ठीक है, केंद्र का जानता शासन होता है, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं कुछ राज्य, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री, वहाँ का सारा कार्यभार जो होता है कौन संभालते हैं राज्यपाल, किसके अनुमति पर राष्ट्रपति के अनुमति पर, तो ये आपको कहलाएगा कौन केंद्र शासित प्रदेश कहलाएगा, यानी कुल इसकी संख्या कितना है 8 है। और इससे जुड़े हुए प्रश्न के तो
अच्छा जी वहाँ पर कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा देख सकते हैं भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे क्लिक है मित्रपुर गामछा का, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, पहला ये क्या है, गुजरात, गुजरात, उसके बाद से मिलता है आंशिक किससे, राजस्थान से, उसके बाद से क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर है कौन, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एक होगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बंगाल, फिर होगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद एक आएगा कौन, मिजोरम, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, भारत के आठ राज्यों से कर्क रेखा पर क्या करती है, गुजरती है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, कभी कभी कर देगा कि निम्नलिखित में से, हाँ निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य कर्क रेखा, कर्क रेखा से होकर क्या करती है, गुजरती है, चाहे कर्क रेखा गुजरता है। तो ये आपको हो जाएंगे, ये आपको आठ राज्य को याद रखना पड़ता है। मानक रेखा, मानक रेखा, मानक रेखा, यूरोप, हाँ मानक रेखा। दूसरा होता है मानक रेखा, मानक रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा एक और यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये भी एकदम याद रखिएगा, हाल में हो सके कि जीडी में पूछ रहे तो ये क्वेश्चन याद नहीं होने का मतलब, ऐसा अगर क्वेश्चन व्यक्ति छोड़ से चलाता है इसका मतलब कि कोई ज्ञान नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन जितना आसान आएगा, अगर क्वेश्चन आसान आप छोड़ कर आ रहे हैं, गलती कर कर आ रहे हैं, तो वह बहुत जो होता है व्यक्ति को जो आता है अनुभव लगता है कि अच्छा से नहीं पढ़े। भारी क्वेश्चन आएगा छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ही नहीं छोड़ेगा, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, लेकिन हल्का जो क्वेश्चन आता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन राज्य जो है बाहरी देशों से बाहरी राज्यों से भी सॉरी बाहरी देशों से संपर्क नहीं रखता है, तो इसमें आप भी कुछ राज्यों को देख सकते हैं। इसमें हरियाणा, देखिए तो हरियाणा किसी भी बाहरी देश से इसका संपर्क बना रहा नहीं बना। दूसरा कौन है, एमपी, ये भी किसी भी राज्य से संपर्क सॉरी किसी भी देश से संपर्क नहीं बना है। उसके बाद देखिए तो छत्तीसगढ़ भी, ये आपको इधर बिहार से स्पर्श करता है, झारखंड से स्पर्श करता है, उड़ीसा से स्पर्श करता है, और मध्य प्रदेश, ये भी किसी बाह्य से संपर्क नहीं बता है। और देखिए तो हाँ झारखंड भी आप देख सकते हैं, लेकिन बिहार को मतलब क्योंकि बिहार जाके नेपाल से क्या करता है, स्पर्श कर जाता है। और यहाँ पर एक है आपको क्या, तेलंगाना, तो ये राज्य भी स्पष्ट रखेगा, एक दो तीन चार, ठीक है। और हरियाणा पांच, ये राज्य जो है किसी भी जो है अन्य देश से यानी संपर्क अपना नहीं रखते, बाकी तो देखिएगा तो कहीं ना कहीं किसी से क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय संपर्क रखने के कार्य, जैसे समुद्र तटीय है तो ये कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय से क्या करेगा, संपर्क इससे और जुड़ी है। हाँ, और क्वेश्चन इससे मिलता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन है, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंदिरा पॉइंट। और भारत का जो है उत्तरी, तो ये कहा जाता है इंदिरा कौन, ठीक है। इसी में मानक समय में पढ़े होंगे कि मानक समय जो हमारा लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, हाँ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर स्थान क्या है, नैनी, ठीक है। जीएमपी जानते ही होंगे,
कि भारत यानी जीएमटी मुख्य रूप से जीएमटी विश्व में कहां से लिया जाता है? विश्व में जीएमटी लिया जाता है कहां से? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के किस स्थान से? ग्रीनविच स्थान का नाम क्या है? ग्रीनविच लंदन में पड़ता है। वहां की टाइमिंग से हमारा टाइम कितना 5 घंटे। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा 19। और इससे देखिए तो प्रश्न और आपको कोई याद आ रहा है? सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। सबसे अधिक अर्थव्यवस्था में मजबूत राज्य भी कौन है? गोवा। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ है? गोवा में। ठीक है, आप जो है दूसरा जो है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है भाई? कच्छ। हाँ, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है सबसे अरियाई ये क्या है? कच्छ। गुजरात यानी कच्छ, यही आपको क्या है? कच्छ। और सबसे छोटा जिला कौन है? छोटा ठीक है, इसको याद करके बताइएगा कि सबसे छोटा जिला कौन है। ठीक है, आगे कम से कम अगला जो होगा इस टॉपिक को यानी भारत की स्थिति और अपनी अस्थिति को क्या रखिएगा? याद रखिएगा कि लगभग कौन कौन जो है कहां पर पड़ता है। इससे जो होता है बहुत आसानी से पूछ देता है आदमी को, याद नहीं रहता है, छोटा समझ के आदमी कभी ध्यान नहीं देता है, इसलिए। ठीक है, सबसे छोटा जिला जो होगा पुंडुचेरी। पुंडुचेरी ठीक है, और कोई प्रश्न से? राजधानी संपर्कीय जो होगा ये भी याद रखिए, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, मुद्रा क्या है? रुपया। फिर यहाँ पर जो है चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। फिर भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी? श्रीवर्धनपुरम। पहले यहाँ की राजधानी क्या था? कोलंबो, लेकिन हाल में चेंज कर दिया गया। ठीक है, और इधर बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। म्यांमार की राजधानी क्या है? ये भी चेंज हो गया है। पहले इसकी राजधानी कहाँ था? रंगून। अभी इसको भी चेंज, ये करंट में आएगा कि इसकी राजधानी को याद रखिएगा। और यहाँ श्रीलंका, ये दो इम्पोर्टेंट है, इन दोनों चीजों को क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। बाजार में भी मिलता है इसका मैप, खाली स्थान रहता है, खुलने का एक बार सुबह तीन बार भरिएगा ना, तो ये सारे चीज क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। ठीक है, बंद कर वीडियो को, बंद करो, का भी बंद करो, रोको बोले। इसमें और प्रश्न है, एक और पूछ सकते हैं, समुद्रीय तटीय से सबसे लंबा रेखा बनाने वाला राज्य कौन होगा? तो ये होगा गुजरात। यानी एक और एक नंबर स्थान पर किसका है? गुजरात। दूसरे पर कौन है? आंध्र प्रदेश। तीसरे पर है तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है, तमिलनाडु। ये भी पूछा गया सबसे कम सीमा तक समुद्र से, समुद्र तटीय से सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन है? तो गोवा। सबसे कम कौन बनाता है? गोवा। और अंतिम में वो केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया सबसे समुद्र से लंबा सीमा रेखा बनाने वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये होगा आपको आंध्र प्रदेश, सॉरी अंडमान निकोबार। और एक आधे को प्रश्न आ जाता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का हिस्सा है? तो 2.42। जनसंख्या में कितना पॉइंट में लीजिएगा? तो कुल जनसंख्या का 17 पॉइंट कितना है? 5
और जनसंख्या दृष्टि से इसका स्थान पूछेगा तो ये तुम लोगों को पता है कितना है, दूसरा एक नंबर पर कौन है चीन और दूसरा क्या है हमारा। तो कम से कम इन सारे चीजों को आप क्या करके रखेगा, याद करके रखेगा, ठीक है।